जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मूल्य ह्रास अथवा मूल्य पतन के क्या कारण हैं। पिछले वीडियो में हमने मूल्य क्या है, मूल्य शिक्षा क्या है, मूल्य का क्या वर्गीकरण है, चरित्र क्या है, नैतिकता क्या है और इससे संबंधित कई वीडियो हमने बनाया था। हमारे कई साथियों का आग्रह था कि एक मूल्य ह्रास पर वीडियो बनाया जाए, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये टॉपिक आता है। तो हम मूल्य ह्रास और मूल्य पतन के क्या कारण हैं, क्यों हमारे समाज में मूल्य ह्रास हो रहा है, उन कारणों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। तो मूल्य ह्रास अथवा मूल्य पतन के क्या कारण हैं, इसको जानने के लिए हम पारिवारिक कारण, सामुदायिक कारण और विद्यालय स्तर पर क्या कारण है इस पर ध्यान देंगे। पारिवारिक कारणों के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वह है मूल्य आधारित आचरण न होना। साथियों, परिवार में छोटे बड़े का कैसे सम्मान हो, कैसे व्यवहार हो, यह गिरावट परिवार में देखी जा रही है। आजकल परिवारों में जहां हम बड़ों से सीखते थे, बड़े हमको यह शिक्षा देते थे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो कमी देखी जा रही है। इसलिए परिवार में मूल्य ह्रास बढ़ता जा रहा है। साथ साथ कहानी कथन हम दादी से नानी से पहले महापुरुषों की कहानियां सुनते थे, वीर गाथा सुनते थे, लेकिन यह आज परिवार में नहीं दिख रहा है। हम मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, दैनिक कार्यों में, और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे जो छोटे परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं वह अनैतिक कार्यों को पसंद करते हैं, जिससे मूल्यों में गिरावट हो रही है। रेडियो टीवी कार्यक्रमों की अनदेखी की जा रही है। सब परिवार में हर व्यक्ति के साथ मोबाइल है। जहां हम बैठकर रेडियो का कार्यक्रम सुनते थे, एक साथ टीवी देखते थे, धार्मिक नैतिक कार्यक्रमों को देखते थे और एक शिक्षा प्राप्त करते थे कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, वह सब अब नहीं देखने को मिलता है या कम देखने को मिलता है, जिससे परिवार में मूल्यों का ह्रास, मूल्य पतन बढ़ता जा रहा है। समाज स्वीकृत व्यवहार की अनदेखी करना। समाज का अपना नियम होता है, आदर्श होता है। हर समाज कुछ रीतियां, कुछ नीतियां बनाता है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना होता है। समाज के बनाए गए जो नियम हैं उसका अगर कोई परिवार विरोध करता है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वह भी मूल्य ह्रास की श्रेणी में आता है। वहां भी हम ऐसा व्यवहार करके समाज के बनाए नियमों को तोड़ते हैं जो कि समाज बर्दाश्त नहीं करता, वो हमारे लिए समस्या बन जाता है। इसके बाद है पुरस्कार एवं दंड की कमी होना। हम अक्सर देखते हैं कि परिवारों में ज्यादा दुलार प्यार से कोई बच्चा अगर कोई गलत कार्य भी कर देता है तो हम उसको दंड नहीं देते हैं, बल्कि उसको हम अवॉइड करते हैं। या बहुत अच्छा कोई कार्य किया है बालक तो पुरस्कार देने के बजाय हम मुख मोड़ लेते हैं। उससे भी हीन भावना का जन्म होता है, कुंठा का जन्म होता है और बालक व्यक्ति मूल्य से संबंधित कार्यों को न करके मूल्य के विरुद्ध, नैतिक आदर्शों के विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देता है, जिससे
मूल्यों का पतन प्रारंभ हो जाता है। अनैतिक कार्यों को करने से मूल्यों में पतन होता है। कष्ट सहन करने की मानसिक तैयारी न होना, यह भी मूल्य ह्रास का कारण है। पारिवारिक स्तर पर हम यह जानते हैं कि मूल्य का पालन करना इतना आसान नहीं है। जो भी नैतिक नियम सिद्धांत बनाए जाते हैं, समाज द्वारा हो, परिवार द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बता दिए हैं, उन सब को पालन करने में कभी कभी हमको कष्ट भी सहन करना पड़ता है। कष्ट होता है अगर हम पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं है, उसकी सहन की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो हम वह कार्य वहीं छोड़ देते हैं। और जो मूल्य के विरोधी कार्य हैं, जो समाज परिवार के विरोधी कार्य हैं, उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम मानसिक रूप से ऐसे कार्यों को करने के लिए पहले से तैयार रहें कि हमको कष्ट अगर आ जाए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, तब भी हमको अपने कार्य से, अपने नैतिक नियमों से, मूल्यों से विमुख न होना पड़े। तो ये पारिवारिक कारण है जिसका प्रभाव मूल्यों के ऊपर पड़ता है। इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान से अपने परिवार में उतारे, पालन करवाएं, तो निश्चित रूप से मूल्य की स्थापना में हमको सहयोग मिलेगा और इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। दूसरा जो कारण है वह है सामुदायिक कारण। समाज में, समुदाय में मूल्य का ह्रास हमको देखने को मिलता है। हम सामाजिक व्यवस्था में कमी देखते हैं। वो कौन कौन सी कमी है जो मूल्य को प्रभावित करती है, वो कौन कौन से कार्य हैं समाज में, समुदाय में, जो मूल्यों के पतन में सहायक होते हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना है। इसमें पहला बिंदु है मूल्य आधारित आचरण में कमी। जैसा कि परिवार में हमने बताया कि मूल्य आधारित आचरण न होना, वैसे ही समुदाय में भी जो समुदाय द्वारा बनाए गए मूल्य हैं, आदर्श हैं, जिसका समाज स्थापना भी करता है, पालन भी करवाता है, अगर वह आचरण हम नहीं करते हैं, उसमें कमी आती है, तो वह मूल्य ह्रास का कारण बनता है। और समाज में हम ये सब देख रहे हैं, पहले के समाज से आज का समाज काफी परिवर्तित हो गया है, बहुत सी बुराइयां जन्म ले रही हैं। उसके पीछे कारण है, शुरुआती कारण, पारिवारिक वातावरण। अगर पारिवारिक वातावरण को सही कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से सामाजिक वातावरण भी सही हो जाएगा। हम अपने छोटे को, अपने बाल्य को कैसे व्यवहार करना जाए, वह व्यवहार करना सिखाना हमको पड़ेगा। इसके बाद है मूल्य प्रधान नाटकों में कमी आना। समाज में बहुत से नाटक पहले होते थे, हम रामलीला भी देखते थे, ऐसे बहुत से मूल्य प्रधान नाटक बीच बीच में हुआ करते थे, जिसको समाज को एक दिशा मिलती थी, एक शिक्षा मिलती थी, लोग ऐसे नाटकों से सीख लेते थे और मूल्य का पालन करना सीखते थे। लेकिन ऐसे नाटकों की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। हम सामुदायिक कारणों के अंतर्गत यह भी बिंदु रखेंगे, जनसंचार साधनों द्वारा मूल्योन्मुख कार्यक्रम न दिखाना। जो भी टीवी, रेडियो पे कार्यक्रम आते हैं, पहले की अपेक्षा उसमें भी कमी देखी जा रही है, या जो भी कार्यक्रम आते भी हैं, उसमें ऐसे शिक्षा से संबंधित, ऐसे मूल्य आदर्श से संबंधित नाटक न दिखा के ज्यादातर समाज विरुद्ध कार्यक्रमों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ऐसे फिल्म, ऐसे नाटक, ऐसे सीरियल बना के दिखा के समाज को गलत दिशा में ढकेला जा रहा है। ऐसे जनसंचार के साधनों को भी यह ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे कार्यक्रमों को ही प्रसारित करें जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके, समाज उन्नत के मार्ग पे बढ़ सके। समाज सेवा कार्यों की कमी। हम सामाजिक कार्यों
सामुदायिक कार्यों में भी भाग लेना नहीं चाहते हैं, उसमें भी कमी देखते हैं। हमारे जो पालने हैं वो उससे इतर कार्यों में जाना चाहते हैं। जो मिलजुल कर सद्भाव की भावना रखते हुए हम सामुदायिक कार्य करते थे, समाज सेवा कार्य करते थे, उसमें भी कमी देखी जा रही है। यह भी मूल्य पतन का कारण है। धार्मिक नैतिक शिक्षा की कमी होना, समाज में ऐसे धार्मिक जो कार्य होते थे जिसमें सब इकट्ठा होते थे, नैतिक शिक्षा हमको प्राप्त होती थी, ऐसे धार्मिक कार्यों को रूढ़वादिता मानकर उससे भी हम इतर कार्य कर रहे हैं, उससे भी हम दूर हो रहे हैं। तो सामुदायिक कार्यों, सामाजिक कार्यों में धार्मिकता का भी ह्रास दिख रहा है। और धर्म मूल्य का गहरा संबंध होता है। धर्म मानव कल्याण के लिए हमको एक सिद्धांत देता है, नियम देता है, हमको एक संहिता में बांधता है, जिससे हम सीख लेते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे धार्मिक कार्यों, नैतिक कार्यों की भी कमी समाज में देखी जा रही है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, विद्यालय कारण, जिसमें बालक पढ़ने जाता है, व्यक्ति पढ़ने जाता है और वहां कुछ सीखता है, कैसे आचरण किया जाए, कैसे समाज में, कैसे परिवार में वह व्यवहार करे, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करे, वह सब विद्यालय में भी सीखता है। तो हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है विद्यालय। विद्यालय में जो व्यवस्था आजकल विद्यमान है वह मूल्य पतन को रोकने में समर्थ नहीं है। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो विद्यालय में अगर सुधार की जाए तो निश्चित रूप से मूल्य के उत्थान में, मूल्य की स्थापना में सहयोग मिल सकता है। जिसमें सबसे पहली कमी है मूल्य प्रधान वातावरण में कमी। विद्यालय का वातावरण मूल्य प्रधान हो तो निश्चित रूप से मूल्यों की स्थापना हो सकती है। मूल्य प्रधान वातावरण नहीं होता है, मूल्य के जो सिद्धांत हैं, जिन जिन मूल्यों की चर्चा हुई है, सेवा, सत्य, अहिंसा, कर्तव्य का पालन करना, यह सब ऐसे मूल्य हैं जिसको हमको सीखना भी है, सिखाना भी है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा विद्यालय अपने बालकों में मूल्य की स्थापना कर सकता है, लेकिन विद्यालय कार्यक्रम में ऐसे कार्यों को न करा के हम मूल्य से, मूल्य के पतन के कारक बनते हैं। इसके बाद है विद्यालय विषयों के साथ मूल्य शिक्षा में कमी। जो विद्यालय विषय हम पढ़ते हैं उसमें भी मूल्य से संबंधित बिंदुओं को ध्यान में नहीं देते हैं। हमको विद्यालय विषयों को पढ़ने के साथ साथ मूल्य शिक्षा से संबंधित भी कार्यों को करना पड़ेगा, अन्यथा हम मूल्य पतन में सहायक सिद्ध होंगे और हमारा समाज एक गलत दिशा में जा सकता है। पाठ्य सहगामी मूल्य आधारित कार्यक्रमों में कमी। हम सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ ऐसे बहुत से कार्य, सामुदायिक कार्यक्रम, जागरूकता, नाटक, प्रदर्शनी, ऐसे कार्यक्रमों को करके एक जागरूकता लाते हैं, एक मानसिक परिवर्तन करते हैं, बालक को हम मूल्योन्मुखी बनाते हैं, लेकिन विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों की कमी देखी जा रही है। हम केवल दूसरे भाषा, दूसरे साहित्य को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और जो हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक साहित्य हैं, उसको रूढ़वादी मानकर छोड़ते जा रहे हैं। इससे भी मूल्य ह्रास बढ़ रहा है। विभिन्न शिक्षण विषयों के साथ मूल्य शिक्षा न देना। जो भी विषय हम पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साहित्य, ऐसे सभी विषयों के साथ मूल्य शिक्षा को भी जोड़कर पढ़ना चाहिए। नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा पहले पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग हुआ करता था, लेकिन वह विषय हमारे पाठ्यक्रम से बाहर होता जा रहा है।
इसलिए आवश्यकता है कि हम विभिन्न विषयों के साथ मूल्य शिक्षा को भी पढ़ें। प्रातःकालीन सभा का मूल्योन्मुखी न होना। हम सुबह कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हमारी यह व्यवस्था रही है, हमारी सोच रही पूर्वजों की कि हम ईश्वर की आराधना करें, अच्छे कार्यों को करके अच्छे स्मरण के साथ हम किसी कार्य को प्रारंभ करें। ऐसे ही प्रातःकालीन सभा को मूल्योन्मुखी अगर बनाकर हम कार्यक्रम करते हैं तो वह एक तो हमारा जो दैनिक अध्ययन अध्यापन कार्य वह भी अच्छे ढंग से बीतता है, साथ साथ हम मूल्यों के विकास में भी सहयोगी बन जाते। लेकिन विद्यालयों में प्रातःकालीन सभा का भी धीरे धीरे प्रचलन समाप्त की तरफ दिखता है, जो कि मूल्य ह्रास का कारण है। महापुरुषों के जन्मोत्सव राष्ट्रीय उत्सवों को ठीक से न मनाना। हम देखते हैं राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त हो, 26 जनवरी 2 अक्टूबर हो, या ऐसे महात्मा गांधी, मालवीय जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महापुरुष हैं, विवेकानंद हैं, जिसके विचार हमको अच्छी दिशा देते हैं, हमको मूल्यों की तरफ ले जाते हैं, परोपकार, सेवा, अहिंसा, सत्य, इन सब की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों के जन्मोत्सव न मनाकर, राष्ट्रीय उत्सवों को ठीक से न मनाकर हम मूल्य पतन के कारक बन जाते हैं। विद्यालयों में यह कमी भी दूर होनी चाहिए। खेलकूद प्रतियोगिता, समाज सेवा कार्यों का अभाव। खेलकूद प्रतियोगिता और समाज सेवा के जो कार्य हैं, यह भी मूल्य के विकास स्थापना में सहयोगी होते हैं। आपसी सद्भाव प्रेम से प्रतियोगिता का आयोजन होता है। खेलकूद की प्रतियोगिता में भी हम मूल्य के विकास में सहयोगी बनते हैं। समाज सेवा के जो कार्य हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यह भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इससे भी मूल्यों की स्थापना में कमी या मूल्य पतन के कारक हम बनते जा रहे हैं। तो ये मूल्य ह्रास और मूल्य पतन के पारिवारिक, सामुदायिक और विद्यालयी ये कारक रहे हैं, जिससे मूल्यों में ह्रास बढ़ता जा रहा है। हम मूल्य की स्थापना के लिए, मूल्यों के विकास के लिए, मूल्यों के संरक्षण के लिए पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक सामुदायिक स्तर पर और विद्यालयी स्तर पर हम सुधार करके मूल्य की स्थापना कर सकते हैं, मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसमें शिक्षक और जो शिक्षा व्यवस्था है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम अपनी पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय व्यवस्था को और अच्छी कर दें, हम मूल्योन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से यह मूल्य पतन को सुधारा जा सकता है और समाज को नई दिशा दी जा सकती है। मूल्य आधारित आचरण हमको करना होगा, चाहे परिवार में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे विद्यालय में हो, तो निश्चित रूप से मूल्य का विकास होगा। आप सब इस वीडियो को देखकर, समझकर निश्चित रूप से मूल्य की स्थापना में सहयोग देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।